वो नेक्स्ट आए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट प्रोड्यूस इन प्रोटोप्लाज्म। एंजाइम्स आर एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट प्रोड्यूस इन प्रोटोप्लाज्म। अने प्रोटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के गड़े करे चवना है, यानी ये भी चाहिए सकूं था तो दे आर सिंथेसाइज विद इन सी सेला जी अंदर था। कैरेक्टर्स में ऐसा वठूं त नंबर पेरियो आए मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, यानी अक्सर करे एंजाइम्स प्रोटीन से आधार। दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, विद हाई मॉलिक्यूलर वेट यानी एंजाइम्स अक्सर करे प्रोटीन सा ठहल, ये वड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर वेट वधी करे। कुछ तो अड़ा जो मुकम्मल प्रोटीन से ठहल, सम आर एंटायरली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जेड़े तरीके सा अमाइलेज ए पेप्सिन आए, कुछ वरी अड़ा जिनमें प्रोटीन सा गड़ नॉन प्रोटीन पार्ट भी आए। सम कंटेन नॉन प्रोटीन पार्ट अलांग विद प्रोटीन। एग्जाम्पल वठूं तो होलो एंजाइम्स नंबर भी हो तो एंजाइम्स एसिड एल्कलाइन बिनन सब्सटेंसेस से रिएक्ट कर दे रिएक्ट विथ बोथ एसिडिक एंड
अल्कालाइन सब्सटेंस। एसिड का अल्कालाइन बिनिन सब्सटेंस आ रिएक्ट करना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एज अ मेजर पार्ट। छोटा प्रोटीन्स या एसिडिक उनान या बेसिक देखिए एसिडिक प्रोटीन्स हूं एसिडिक एंजाइम ठाइंदा वो एसिडिक सब्सटेंस आ जेके बेसिक हूं बेसिक एंजाइम ठाइंदा बेसिक सब्सटेंस। नंबर टियों त जनरली एंजाइम्स जाथे पैदा थींदा आहिनि पंहिंजो कम बि उते ई कंदा आहिनि। जनरली एंजाइम्स एक्ट विद इन सेल वेयर दे आर प्रोड्यूस। जनरली एंजाइम्स एक्ट विद इन सेल वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड पर कदें कदें समटाइम दे डिफ्यूज आउट ऑफ सेल समटाइम्स दे डिफ्यूज आउट ऑफ सेल सेल का बाहर भी हल्या इंदा है परफॉर्म कैटालिटिक फंक्शन आउटसाइड द सेल परफॉर्म कैटालिटिक फंक्शन आउटसाइड द सेल। माना ये चौं त कुछ अड़ा जेके सेलन जे अंदर कम कंदा कुछ अड़ा जेके सेलन का बाहर कम कंदा जेके सेलन जे अंदर कम कंदा उए एंडो एंजाइम्स या इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स एंजाइम्स विच वर्क विद इन सेल एक्सो एंजाइम्स एंजाइम्स विच वर्क आउटसाइड द सेल क्योंकि सेलन के अंदर कम कन हुए एंडो एंजाइम्स बाहर कम हुए एक्सो एंजाइम्स। नंबर चौथो दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड एक्शन हाँ किए एंजाइम्स एक्शन ए नेचर जे हवाले का स्पेसिफिक कन जेकने प्रोटीन वाला एंजाइम तो वे प्रोटीन्स के ही ट्रोड़ींदा प्रोटीन्स के ही प्रोटीन्स ते ही एक्ट करना प्रोटीन्स वाला लिपिड्स ते कार्बोहाइड्रेट्स ते या न्यूक्लियस ते एक्ट न करे सकंदा उन करे ये नेचर एक्शन जे हवाले का स्पेसिफिक। नंबर पंजो एंजाइम्स जे का साइज आ वा सबस्ट्रेट का वडी हुंदी यानी एंजाइम्स आर मच ग्रेटर इन साइज देन सबस्ट्रेट। एंजाइम्स आर मच ग्रेटर इन साइज देन सबस्ट्रेट यानी मिसाल तौर ये सपोज असांजो
एंजाइम ही असो सबस्ट्रेट साइज एंजाइम जी सबस्ट्रेट का बड़ी। नंबर चौ दे हैव पर्टिकुलर साइट टू रिएक्ट विद सबस्ट्रेट। नंबर चौ दे हैव पर्टिकुलर साइट टू रिएक्ट विद सबस्ट्रेट। इन में एक साइट आ जैसा सबस्ट्रेट एक्ट कंदो जैके ऐसा एक्टिव साइट जो ही हुआ एक्टिव साइट जैसा अची सबस्ट्रेट के अटैच थो या बाइंड। नंबर सतो तो दे रिक्वायरिंग स्मॉल क्वांटिटी कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग चेंज इन लार्ज सब्सटेंस। यानी एंजाइम्स रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग चेंज इन अ लार्ज सब्सटेंस। थोड़ो मिकदार घुर्बल हुंदो आ पर ये तब्दीली तमाम वडे सब्सटेंस में आणे सकंदो। अठो आहे एंजाइम एक्टिविटी एक्सीलरेट थींदी आयंस या साल्ट्स सां जेके एक्टिवेटर्स था अचनि। एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी एक्सीलरेटेड बाय आयंस या साल्ट्स कॉल्ड एक्टिवेटर्स। वो असांजे टेक्स्टबुक जेके एक्टिवेटर्स जा मिसाल ॾिना है मैग्नीज़ा निकिला मैग्नीशियम ऐं क्लोरीन। मैग्नीज़ा निकिला मैग्नीशियम ऐं नंबर नाउ आहे एंजाइम्स एक्टिविटी इनहिबिट थींदी फैक्टर सां जेके असां इनहिबिटर था एंजाइम एक्टिविटीज आर इनहिबिटेड बाय सर्टेन फैक्टर्स कॉल्ड इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स में जेका टेक्स्टबुक का मिसाल ॾिना है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम कंसंट्रेशन उनका पो नंबर दहों आए एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर इन पीएच। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। पो इनन के मखसूस टेम्परेचर घुर्बल हुंदो पांजी एक्टिविटी। उनका पो यारहों आखिरी आए एंजाइम्स रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर
केमिकल रिएक्शन, यानी एंजाइम्स अनचेंज रहंदा केमिकल रिएक्शन दौरान या उनखां पो जो तेन जो कम रुगो रिएक्शन के एक्टिवेट करना एक्सेलरेट करना बाकी ये रिएक्शन या प्रोडक्ट जो हिस्सो न बनबा उन करे ही अनचेंज वो ही आइन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जा